सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जियो फोन के अंदर दोस्तों न्यू सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जियो फोन अपटेन के मॉडल के अंदर आया है। यानी दोस्तों मेरे पास अपटेन के मॉडल है उसके अंदर दोस्तों फर्मवेयर सॉफ्टवेयर आ गया है। अब दोस्तों इसके अंदर अपडेट करते हैं, क्या कुछ नया मिलता है देखते हैं। दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है सॉफ्टवेयर और ये 32 MB का सॉफ्टवेयर है और थोड़ा यहाँ पे वेट करें। दोस्तों कुछ समय तो हो गया पर दोस्तों कुछ समय अब दोस्तों मैंने आपको लिए वीडियो स्टार्ट किया और अब ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर प्राइस वेट थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमारे को। और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी भी नहीं निकालनी मोबाइल की, क्योंकि बैटरी निकाल दोगी तो दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। दोस्तों ये अपडेट ले रहे हैं हॉटस्पॉट दोस्तों आ सकता है या फिर नहीं, अब नहीं भी आ सकते हैं। दोस्तों हॉटस्पॉट का कुछ मालूम नहीं है कि हॉटस्पॉट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद मोबाइल ऑन होगा। ऑन होने के बाद देखते हैं क्या कुछ नया फीचर्स मिलता है इसके अंदर। देख सकते हैं अभी दोस्तों फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड इन प्रोग्रेस प्लीज वेट। और दोस्तों आपके अपटेन की मॉडल है तो दोस्तों आपके फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को मिल गया है। दोस्तों देखो अपने सेटिंग के अंदर जाके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो, अपग्रेड करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा फर्मवेयर सॉफ्टवेयर न्यू। और मेरे पास अपटेन की मॉडल है इसके अंदर ये अपडेट ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना भी समय लगे मोबाइल की बैटरी कुछ भी नहीं निकालने यानी आपको वो मोबाइल की बैटरी है वो आपको 30% से ज़्यादा चार्ज या फिर इससे ऊपर होनी चाहिए। अभी दोस्तों अपडेट ले रहा है तब तक वेट करते हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको प्रोग्रेस बता दूँ कि आपको कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है। दूसरा मोबाइल लेता हूँ, यह रहा दूसरा मोबाइल और वो रहा दूसरा मोबाइल। मैं दोस्तों बताता हूँ सबसे पहले डेटा कनेक्शन इसका ऑन करना है। डेटा कनेक्शन ऑन करने के बाद अब दोस्तों मोबाइल ऑन हो रहा है और डेटा कनेक्शन ऑन करने के बाद दोस्तों मैं इसके अंदर बताता हूँ सेटिंग अंदर जाना है आपको और उसके बाद अब जाना है आपको डिवाइस के अंदर लाइव सॉफ्टवेयर। इस पर आपको करोगे तो दोस्तों आपके अपडेट चालू हो जाएगा। अब दोस्तों वो मोबाइल ऑन हो रहा है, देखते हैं क्या कुछ नया फीचर्स मिलता है आपको। मोबाइल ऑन हो जो ऑन हो जाने के बाद देखते हैं क्या कुछ नई फीचर्स आपको देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों देखते हैं मोबाइल ऑन हो जाने के बाद कुछ नई फीचर क्या मिलती है। यानी दोस्तों कुछ मॉडल के अंदर तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर था ये पहले मिल गया था पर दोस्तों इसके अंदर नहीं मिला था अपटेन के मॉडल के अंदर। मोबाइल ऑन हो रहा तब तक वेट करते हैं थोड़ा। मोबाइल ऑन हो चुके हैं, सेटिंग चेक करते हैं इसकी। दोस्तों आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट तो नहीं मिला है और सॉफ्टवेयर तो मैंने अपडेट कर दिया यहाँ से और क्या कुछ नई फीचर मिलते देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला और दोस्तों देखते हैं
नई ऐप इंस्टॉल कर रखी थी, उनके अंदर कुछ नई अपडेट या फिर कोई। जी स्टोर ओपन करते हैं, दोस्तों ये तो फेक अपडेट है दोस्तों, ये तो पहले आधार रीसेट करते हैं या फिर मोबाइल के अंदर अपडेट है तो अपडेट आ जाता है दोस्तों, ये तो कोई अच्छी अपडेट नहीं है। अब दोस्तों इस फेसबुक को दोस्तों पहले नीचे डाल दिया गया था, यानी फेसबुक को पहले यहाँ पे डाल दिया गया था और फेसबुक ऊपर लाया गया और इसको जियो चैट को भी ऊपर लाया गया और गेम एप्लीकेशन को भी ऊपर लाया गया है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर और क्या कुछ नहीं मिलते देखते हैं, हम रेडियो के अंदर भी देखते हैं। ये दोस्तों मोबाइल दोस्तों चलाने में थोड़ी आसानी आ गई और इसके अंदर उस कीपैड वाला वो भी लगाते दिखते हैं। स्टार हैज 2886 हैज, तो दोस्तों इसके अंदर हॉटस्पॉट तो नहीं मिला है पर दोस्तों आपको मोबाइल चलाने में थोड़ी आसानी आ गई और इसके अंदर जियो स्टोर के अंदर अपडेट है, ये तो दोस्तों कोई अपडेट खास नहीं है और ये अपडेट आपको मिली है तो आपको वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक करना दोस्तों। अपडेट के मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अपडेट के मॉडल के अंदर अपडेट मिला या फिर नहीं मिला है। मिलते हैं कुछ दिन के साथ, जब तक धन्यवाद।